गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो यार, आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक डैम पे। डैम का नाम शायद अभी मुझे नहीं याद है, और थोड़ी देर में डैम पहुँचूंगा तो फिर आपको बताऊँगा। अभी बच रहे हैं 5:30 के लगभग, होने वाले भी हुए नहीं हैं, 5 बज के लगभग 20 या 25 मिनट हो रहे होंगे। और देन दूसरी चीज़ क्या है, जो डैम है यहाँ से, मैं अभी यहाँ से रनिंग करते हुए जाऊँगा, लगभग 7, 7.5 या 8 किलोमीटर पड़ेगा और लगभग 40 मिनट लग जाएंगे। तो हम पहुंचेंगे 6 बजे के करीब डैम पे, और डैम को आपको दिखाएंगे पूरा। बहुत अच्छा डैम है और मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। अभी देखो, मेरे पीछे जस्ट सूरज निकलने वाला है, ये निकला नहीं है, और हमारे पहुँचते पहुँचते तो हो सकता है सूरज वहाँ पे निकल जाए। तो चलिए, यहाँ पे देखने के लिए तैयार रहिए। केरवा डैम नाम याद आ गया, केरवा या कोरवा ऐसे कुछ नाम है उस डैम का। और थोड़ा रास्ता जो है वो बहुत डेंजर वाला रास्ता है, क्योंकि बाघ भ्रमण क्षेत्र है, जंगली जानवरों का खतरा होता है। बट कोई दिक्कत नहीं, जाएंगे एक बार जरूर, दूसरी बार जा रहे हैं। आज से लगभग ठीक 1 साल पहले गया था मैं, लगभग हो गया होगा, और आज फिर दोबारा जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और पहले उस दिन भी दौड़ के गया था पहले, और आज भी दौड़ के जाऊँगा। सुबह का टाइम है, मस्त आएगा, मज़ा आएगा। चलिए फिर चलते हैं केरवा डैम। हम तैयार हो गए अपना बस निकलने के लिए, जूते वगैरह पहन लिए, पानी वगैरह पी लिए। अब मिलते हैं आपको सीधा केरवा डैम 6:30 बजे के बाद। थैंक यू, लव यू ऑल। फाइनली मैं 46 मिनट में पहुंच जाता हूं केरवा डैम, और जो मेरे को टाइम लगता है 46 मिनट लगता है, और डिस्टेंस होती है लगभग 9.48 किलोमीटर होता है। अब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पूरा केरवा डैम, ये काफ़ी दूर में फैला हुआ है। बहुत मज़ा आया भाई, 46 मिनट लग गए, कोई बात नहीं। सुबह उठा और अभी बोला था ना 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तो अभी 6:10-15 मिनट हो रहा, मैं पहुँच गया आराम से। अब थोड़ा आराम करूँगा, उसके बाद फिर आपको पूरा केरवा डैम दिखाऊँगा। आराम नहीं करूँगा क्योंकि जल्दी वापस जाना है। ये पहाड़ है, पहाड़ों की चट्टानों को देखो आप, कैसे ये चट्टाने हैं, बहुत डेंजर है। पत्थर देख लो, एक के ऊपर एक परत के भाई परत रखा हुआ है। और चलो आगे कुछ और दिखा रही है, कुछ बनाया जा रहा है साथ, जैसे वो एक पाइप दिख रहा है ना सामने टंकी, वैसे यहाँ पे बनेगा। और ये 1 साल से बन रहा, अभी तक बन ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, घर थोड़ी बन रहा है, महल बनने में तो टाइम लगेगा ही। यहाँ से पानी सप्लाई होता है, ये टंकी है, इस पाइप के थ्रू ऐसे ऊपर जाता है पानी, शहर को सप्लाई होता है, शहर के लोग पीते हैं, नहीं तो मर जाएंगे पानी के बगैर ये लोग। और अब चलते हैं इस किसी एक टापू पे, देख रहे हैं अभी कोई रास्ता मिल जाएगा तो। और यहाँ पे पक्षी बहुत ज़्यादा है, पहले तो सबसे पहले मुझे नीचे उतरना पड़ेगा इस खूंखार भरे पहाड़ और जंगल से। चलो यहीं से उतरते हैं, दिखाएंगे केरवा डैम के चारों साइड का एरिया कैसा है। तो चलिए, आप देखने के लिए तैयार रहिए। यहाँ पर आने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस यार सुबह उठना और खोपड़ी को दिमाग को मैसेज दिया कि भाई इस केरवा डैम पे चलना है। मन ने कहा ठीक है भाई चलो, आरामखोरी तो करोगे, मना तो करोगे नहीं, जाने से जाओगे तो ही और अकेले। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये केरवा डैम है, और यहाँ पे मैं अकेले हूँ, और जो यहाँ का लोकेशन है बहुत अच्छा, अच्छी जगह है। और देखो मेरे पीछे कितनी खूबसूरत घास है ये, और दूसरी चीज़ ये पक्षी कुछ चहचहा रहे हैं, और यहाँ पे चारों साइड पेड़ हैं और बीच में पानी है, और हमें और बहुत अच्छी जगह है। कुछ थोड़ा देख लो ऐसे ही जल्दी से, बाकी आपको तो मैं दिखाऊंगा ही। केरवा डैम है, आप इस साइड देखिए पानी है, और यहाँ से बहुत दूर जो ये कुछ घर वगैरह दिख रहे हैं, ये बिल्डिंगें वगैरह दिख रही हुए हैं। और देन दूसरी चीज़ की यहाँ पे देखो पेड़ हैं, पहाड़ हैं, और पहाड़ों के बीच में ये पानी है, और यहाँ पे देखो बहुत सारे पक्षी हैं, चहचहा रहे हैं, और सूखा क्षेत्र है ये। यहाँ पे देखो लोग नहीं है, अभी आपको एक लोग भी नहीं दिखेगा बंदा, और पक्षी दिखेंगे, हम दिखेंगे, और ये पहाड़ पर्वत घास दिखेंगे, और कुछ थोड़े बहुत जानवर एक दो दिख जाएंगे, ये नहीं गांव से आए होंगे। और ये काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे पहुँचने के लिए बस थोड़ा मेहनत करनी पड़ी थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। और हम सोच रहे हैं उस टापू पर जाने के लिए, थोड़ा आगे चलते देखते हैं क्या सीन है, कैसा है। और आप देखते रहिए द ट्रैवलिंग दोस्ती। तक पहुँचने के लिए मुझे ना इस रास्ते से जाना पड़ेगा, अब ये रास्ता दलदल भरा है, और कुछ एक उपाय करते हैं, नेवर गिव अप एंड ट्राई इट। चलो पहुंचने की कोशिश तक आ गया, अब राम सेतु बनाना पड़ेगा इस पैसे पानी से। अब यार यही इतना दूर है, अगर ये इतना दूर पार करता हूं तो उधर जाने को मिलेगा। और चले कुछ देखते हैं, मज़ा आ रहा है इधर, आपको थोड़ी आ रहा होगा, मज़ा तो मुझे आ रहा है। इस जो सॉरी यार पीछे जो जगह दिख रही है ना, वहाँ ऊपर से और यहाँ तक, इसको पार करके मैं इधर आ गया, और मैं जूते वहीं पे उतार दिया, बट जूते उतार के थोड़ा गलती किया, क्योंकि इधर बहुत वो सीप होते हैं ना, वो भाई फाड़ दे रहे हैं पैरों में, 2-3 तो तगड़ा चुभ गया। और जूते पहने पहने
पैर की जो स्किन है वो पतली हो जाती है। कोई बात नहीं, डोंट वरी, चिंता नहीं करना, रोज थोड़ी आना इधर।